रामवीर सिंह भिधोड़ी ने कहा कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गंदा पानी आ रहा है या सीवर की समस्या है, बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं या फिर सरकार द्वारा दी जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो उनके लिए नमो सेवा केंद्र झुग्गी वासियों के हक में लड़ाई लड़ेगी। जन कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की है उसका लाभ कितने गरीब लोगों तक पहुंच गया है, यदि किन्हीं कारणों से वह नहीं पहुंच पाया है तो जगह जगह जाकर उसकी जानकारी दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए ये इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था की है, उसका लाभ आप उठाइए। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा जब कोरोना महामारी शुरू हुई कि किराएदार अपना घर छोड़कर या दिल्ली छोड़कर ना जाएं, हम मकान मालिक को उनका किराया देंगे। आज तक किसी एक किराएदार का एक पाई पैसा मकान के मालिक को किराए के रूप में नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 7 सालों में गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का उद्घाटन करने रामवीर सिंह भिधोड़ी नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और वादा पूरा ना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नमो सेवा केंद्र झुग्गी वासियों के हक में लड़ाई लड़ेगी और उन्हें पूरा हक दिलाएगी।